आरएसएस के नेता मस्जिद मदरसे खानकाह पहुंच जाएंगे। वो देश के गृह मंत्री के मिजाज से बोल ही नहीं रहे थे। कल को यही कर देंगे कि भाई स्वतंत्रता संग्राम हम ही लड़े, अब ये इतिहास ही बदल देना चाहते हैं। उनको 24 में अपनी स्थिति काफी नाजुक दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हुए हैं। बिहार के पूर्णिया और किशनगंज, या यूं कह लें कि सीमांचल के क्षेत्र में रैली कर रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ कह दिया है कि वो बिहार आए हैं लेकिन वो केंद्र के गृह मंत्री के तौर पर बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बात ऐसे कर रहे हैं कि लग रहा है कि भाजपा के बड़े नेता हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि जो भाजपा के नेता जिनकी कुर्सी चली गई है सरकार बदलने के कारण, जो नाराज चल रहे हैं उनके खिलाफ, उनके तरफ से बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जब 24 का चुनाव आने वाला है तो अब देखिए कुछ लोग मस्जिद जा रहे हैं तो कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, तो आरएसएस के अध्यक्ष जो हैं वो मौलाना से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले आप सुने। वो देश के गृह मंत्री के मिजाज से बोल ही नहीं रहे थे। अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के वैसे नेता जो बिहार में सत्ता खोने से बेचैन हैं, वो भाषा बोल रहे थे। वैसा देश का गृह मंत्री तो बोलता नहीं। आज भी किशनगंज में मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं से प्रचार बैठक। देखिए, ये सब तो अब उनको 24 में अपनी स्थिति काफी नाजुक दिख रही है, तो वो किशनगंज में पूजा करेंगे। आरएसएस के नेता मस्जिद मदरसे खानकाह पहुंच जाएंगे, तो ये सब तो चुनाव आ रहा है, तो ये सब चीजें तो और बढ़ेंगी, लेकिन कर्म में क्या होगा? कर्म में यही होगा कि जो भारत के इतिहास में अल्पसंख्यकों के योगदान का पक्ष है, ये उसको खत्म करके ये अपना पक्ष, जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम में देखिएगा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं है, अब ये इतिहास बदल के अपना, मैंने अपनी प्रासंगिकता बनाना चाहते, ये अब कह रहे हैं कि इतिहास जो लिखा गया वही गलत है, इसलिए कि इनकी न कोई भूमिका थी, इसलिए ये कहीं है नहीं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, अब ये इतिहास ही बदल देना चाहते हैं। और कल को यही कर देंगे कि भाई स्वतंत्रता संग्राम हम ही लड़े, बाकी गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, ये सब कुछ थे ही नहीं, ये पूरी साजिश है। और देश के यही जो गृह मंत्री पूर्णिया आए थे, गृह मंत्री आधिकारिक बयान दे चुके हैं जो इस देश के इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। ये क्या प्रदर्शित करता है? इतिहास बदलना चाहते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी जो हैं वो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि वो केंद्रीय मंत्री यानी कि गृह मंत्री के तौर पर भाषण नहीं दे रहे थे, वो भाषण में लग रहा था कि केवल भाजपाई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से 24 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में वो अब मंदिर में पूजा करने जाएंगे, आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं वो जाएंगे मस्जिद में मौलाना से मिलने, तो ये सब डर जो है उनको लगा हुआ है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।